हाँ जी वार्तालाप का टाइम भी सीमित है, जल्दी जल्दी वार्ता को आगे बढ़ाएंगे तो गोरखपुर में क्या गोरख धंधा है, जो नई नई आत्माएं कम निकल पाती हैं, जरूर कुछ संशय बुद्धि में बैठते हैं, तो ईश्वरीय सेवा रुक जाती है। बाबा महानंदा का पाठ किसका है? महा माने बड़ा और आनंदा माने आनंद करने वाली, जो बड़ा आनंद करने वाली हो वही महानंदा। भगवान को कहते हैं सत्यचित्त आनंद घन, तो पुरुषों में महान आनंद करने वाला तो भगवान है, तो महानंदा कौन होगी? भगवती महानंदा हुई, उससे ज्यादा सतयुग के सुखों का आनंद लेने वाला तो और कोई हो ही नहीं सकता। बाकी आनंदा महानंदा किसका पार्ट है, वो कौन सी आत्मा है, ये तो बाबा नहीं बताते। एक एक का पार्ट बैठ करके खोले ये बाबा का काम नहीं है। बाबा ने बोला अपने अपने कर्तव्य से, अपनी अपनी दृष्टि से, वृत्ति से, अपनी अपनी चलन से अपने अपने पार्ट को प्रत्यक्ष करेंगे। बाबा कागज पर या बोर्ड पर लिख करके नहीं बतावेंगे। इशारा देते हैं और देवताएं इशारे को समझते हैं कि महानंद में रहने वाली कौन है, कौन है, है? अरे महानंद में रहने वाला कौन है पार्ट? महानंदा शब्द से पुल्लिंग साबित होता है या स्त्रीलिंग? जरूर कोई स्त्री है, वो कौन है जिससे ज्यादा आनंद में कोई नहीं रह सकता 84 जन्मों में? क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्र उसको कहा जाता है जिसका एक सिक्के के साथ प्यार रहता है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, और एक जन्म की बात नहीं है, 84 जन्मों में भी एक के साथ स्नेह है, जुटा रहे। ऐसी पवित्र आत्मा सबसे जास्ती सुख भोगती है। कौन है? महालक्ष्मी है। हाँ जी। और वो नाम आम आपको पता, हमें नहीं पता। और हाँ जी, हाँ जी, जो पार लगाने वाली है वो ही पार्वती है। पवित्र होगी तो पार लगाएगी, वैश्या जाति की होगी तो डुबोएगी या पार लगाएगी? वो तो डुबो देगी। और
बालाजी में मंदिर में को सजा कौन देती है? जो ईविल कर्म कभी न करने वाला हो। धर्मराज का पाठ किसका है? जो धर्मराज है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ मजिस्ट्रेट है ना, तो ब्राह्मणों की रूहानी दुनिया में चीफ जस्टिस कौन है? जिसके लिए बोला है अपने फरिश्ते स्वरूप का उद्घाटन कब करेंगे? चीफ जस्टिस को बुलावेंगे क्या? तो चीफ जस्टिस खुद कायदे कानून को सबसे जास्ती फॉलो करने वाला होगा या कायदे कानून का उल्लंघन करने वाला होगा? है, जानकार भी होगा और कायदे कानून को मानने वाला भी होगा, तो कौन है? उसका नाम भक्ति मार्ग में बालाजी क्यों रखा गया है? बालाजी किसका नाम है? है, तिरुपति में बालाजी हनुमान का नाम है? है, बालकृष्ण किसे कहा जाता है? जब बालक है तो उसकी ज्यादा पूजा होती है, बड़ा हो जाता है तो उतनी पूजा नहीं होती है। बालाजी कहा जाता है, नाम बहुत बाला है। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में धर्मराज का पाठ बजाने वाली कौन सी सोल है? अरे धर्मराज होगा तो धारणाओं का राजा होगा ना, धारणाओं को अच्छे से अच्छा अपने जीवन में निर्वहन किसने किया? ब्रह्मा बाबा ने। तो ब्रह्मा की सोल ही धर्मराज का पाठ बजाती है। भूत प्रेत तो दो प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म शरीर धारण करने वाली आत्माएं दो प्रकार की होती है, एक श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली भी होती है, किसी को दुख नहीं देती। अचानक मौत होते हुए भी जीवन भर ब्रह्मा ने कभी किसी को दुख नहीं दिया, तो लंबे समय का पुरुषार्थ अंत समय में काम आता है। अंत समय भी उन्होंने जब शरीर छोड़ा तो जैसे क्राइस्ट के लिए कहते हैं, क्राइस्ट को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसके मुख से अपशब्द निकले या श्रेष्ठ शब्द निकले? अपशब्द नहीं निकले, मुख से निकला ये जो क्रूस पर चढ़ाने वाले हैं इनका भी कल्याण हो जाए। और क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई जाती है, क्योंकि क्राइस्ट तो बाद में आया है, बाद में फॉलो करने वाला धर्म पिता बना है, उसने किसको फॉलो किया होगा? कृष्ण के जीवन में भी अंतिम 84वें जन्म में पाम्प एंड शो देखा जाता है, और क्राइस्ट के जीवन का भी और उनके फॉलोअर्स का भी पाम्प एंड शो का हिसाब किताब है। ये 500-700 करोड़ की जो स्थूल दुनिया है उसमें ध्वंस करने का पाठ किसका है? कौन से धर्म का है? क्रिश्चियंस का है। वो एटम बम बना के रखे हुए हैं,
सारी दुनिया का ध्वंस कर देंगे। अंदर अंदर बुखार भरा हुआ है, ये बुखार की पैदाइश कौन से धर्म से होती है, है? क्रिश्चियन धर्म से होती है या क्रिश्चियन धर्म से भी पहले कोई दुनिया में धर्म है? इस्लाम धर्म है? वो पाम्प एंड शो वाला नहीं है, क्रोध ही नहीं है, काम विकार का मुखिया है। क्रोध का फाउंडेशन कृष्ण वाली आत्मा के द्वारा दिखाया गया है। कहते हैं कृष्ण ने महाभारी महाभारत गृह युद्ध कराया, सब का विनाश करा दिया। ये चंद्रवंश फाउंडेशन है, दो कलाएं कम हो जाती है। कायदा और कानून कब बनाए जाते हैं? जब अनुशासनहीनता बढ़ती है तो कायदा कानून बनाया जाता है। सतयुग आदि में कायदे कानून की जरूरत होती है क्या? नहीं होती है, वहां अनुशासन की जरूरत ही नहीं है, कोई शासन करने वाला नहीं होता। जब सब अनुशासन में रहने वाले हैं, 16 कला संपूर्ण है, तो कोई किसी के ऊपर क्यों शासन करेगा, क्यों राजा ही करेगा? सब आत्मिक स्थिति वाले हैं, कोई देहभान वाला नहीं है। त्रेता युग में जब चंद्रवंश होता है, दो कलाएं कम हो जाती हैं, तो अनुशासन की जरूरत पड़ती है, कायदे कानून बनाए जाते हैं। तो चंद्रवंश है कमजोरी का फाउंडेशन, और सूर्यवंश है संपूर्ण कमजोरियों को नष्ट करने वाला। कमजोरी का नाम निशान नहीं रहता। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में दो वंश तैयार हो रहे हैं, खास तौर से सूर्यवंश और चंद्रवंश। सूर्यवंश का फाउंडेशन देन डालने वाला स्वयं राम है, और चंद्रवंश का फाउंडेशन डालने वाला स्वयं कृष्ण है। जो अति का सहन करता है वो ही अति का सहन कराने के योग्य बनता है। कृष्ण की आत्मा ने अंतिम जन्म में जो पार्ट बजाया वो सहन शक्ति की अति में पहुंचाया। इतना सहन किया कि शरीर भी छोड़ दिया। अकाले मौत हो गई। हार्ट फेल हो गया। तो ऐसी जो सहन करने वाली आत्मा है उसका पाप का बोझा तो नहीं बना, लेकिन क्या अच्छा हुआ? उस आत्मा के लिए अपने लिए अच्छा हुआ?
बाप ने जो लक्ष्य दिया नरसे नारायण बनना है, वो लक्ष्य पूरा हुआ कि अधूरा रह गया? लक्ष्य अधूरा रह गया। इसलिए सहनशीलता भी अति में नहीं जानी चाहिए। ला और लव का बैलेंस होना चाहिए। सारे जीवन सहन किया तो जिन आत्माओं ने उसको सहन कराया, सहन कराने के निमित्त बनी, उनके ऊपर 100 गुना पाप का बोझा चढ़ा या नहीं चढ़ा? ब्रह्मा ने तो सहन किया, और जो लोग सहन कराने के निमित्त बने उनके ऊपर पाप का बोझा 100 गुना चढ़ेगा ना, वो पूरा कब होगा? हिसाब किताब कब पूरा होगा? संगम युग में तो 100 गुना बोझा चढ़ गया, और वो हिसाब किताब पूरा कराने के लिए निमित्त कौन बनेगा? जिसने सहन किया वो ही निमित्त बनेगा, या कोई दूसरी आत्मा निमित्त बनेगी? कृष्ण की आत्मा ही निमित्त बनती है। कोई शरीर रूपी चोले में प्रवेश करती है और आतताइयों को दंड दिलाती है। सारी दुनिया से आतताइयों का ध्वंस हो जाता है। है ये ब्राह्मणों की दुनिया की बात। बाकी 500 करोड़ की दुनिया में क्रिश्चियंस निमित्त बनते हैं, जिन्होंने एटम बम बना के रखे हुए हैं। और रसिक राज का अर्थ क्या होगा? रसिक राज का अर्थ होता है जिसकी रसीली वाणी हो, वाणी में कड़ुआपन न हो। तो ब्राह्मणों की दुनिया में रसिक राज कौन सी आत्मा है? हैं? कृष्ण को तो बांसुरी दिखाते हैं, उन्होंने बहुत मीठी वाणी चलाई होगी तो बांसुरी दिखाई दी। बांसुरी की तान मीठी होती है। और शिव के मंदिर में नगाड़ा दिखाते हैं, शंकर जी को गड़गड़ाहट की डमरू वाला वाद्य यंत्र दे दिया है, कर्कश आवाज है, कभी एक तरफ बजता है तो कभी दूसरी तरफ बजता है, तो कौन सी आवाज अच्छी लगती है? नगाड़े की आवाज अच्छी लगती है या बांसुरी की आवाज अच्छी लगती है? मीठापन कौन सी वाणी में ज्यादा है? दादा लेखराज की मुरली में जो मिठास है वो मिठास शिव ने भरा है। शंकर के द्वारा भी जो वाणी चलाई जाती है वो भी शिव ने भरी है, लेकिन निमित्त को पकड़ा जाता है। मीठी वाणी का निमित्त कौन बना है? मीठी वाणी के लिए निमित्त कौन बना? ब्रह्मा की सोल, कृष्ण की सोल। और कड़वी वाणी के लिए निमित्त कौन बना? राम वाली आत्मा। राम के बाण प्रसिद्ध हैं, तो रसिक राज कौन हुआ है? है? अरे कृष्ण वाली आत्मा वो ही रसिक राज हुई।
दादा लेख राज के रूप में रसिक राज। फिर जब शंकर में प्रवेश करती है और महाकाल का पाठ बजाती है तो उल्टा हो जाता है। ये हिसाब किताब है। हाँ बाढ़ आती है कभी? कितनी आती है? है अति की बाढ़ आती है या नहीं आती है? है आती है। रापी का नाम सुना है? अरे जूते गोठने वाले होते हैं उनके पास कौन सा हथियार होता है? है रापी होती है, जिनमें देवान ज्यादा बढ़ जाता है या देवान रूपी चमड़ा ज्यादा होता है, चमड़ी जानवरों जैसी बन जाती है। जैसे बाबा कहते हैं आर प्यार और मर, जिनकी चमड़ी बहुत मोटी नहीं होती है, महीन होती है, तो चमड़ी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि सेंसिटिव है, जल्दी बात को समझता है। एक चमड़ी ऐसी होती है, मोटी होती है, जैसे गेंडा की चमड़ी, उसमें आरई लगाई जाए तो कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही अब तक बाप दादा की वाणी है जो टांट मारती रहती है, लेकिन समझने वाले जो जानवर हैं उनकी बुद्धि में कुछ बैठता नहीं है, अरई का असर नहीं होता है। ऐसे ही ये राप्ती नदी है, ये कलयुग के अंत में भयंकर बाढ़ लाती है। जो देह अभिमानी है, जिनकी चमड़ी मोटी हो गई है, उनको सजा देने के निमित्त बन जाती। और अकेले गोरखपुर में ही बहती है क्या? यूपी का नक्शा पहले शेर की तरह था या नहीं? शेर की तरह था और उसकी पीठ में गोरखपुर बैठा हुआ। अभी यूपी का नक्शा गेंडे की तरह हो गया। कैसा हो गया? गेंडा। और गेंडा की पीठ बहुत मजबूत होती है। ऐसे तो सारा शरीर चमड़ा की ढाल बनाई जाती है। गोरखपुर का कौन सा गुरु प्रसिद्ध है? हैं? गोरखनाथ। ये नाम क्यों पड़ा? हैं? है तो भक्ति मार्ग का। भक्ति मार्ग में जो हुआ है वो ज्ञान मार्ग में भी हुआ होगा। जैसे भक्ति मार्ग में गांधी जी, तो ज्ञान मार्ग का भी कोई गांधी जी हुआ नहीं हुआ? भक्ति मार्ग का जय प्रकाश नारायण, तो ज्ञान मार्ग में कोई जय प्रकाश नारायण हुआ या नहीं हुआ?
जिसके द्वारा जनता पार्टी शुरू हुई। जनता पार्टी का एजिटेशन गुजरात से शुरू हुआ। तो भक्ति मार्ग का नाम है गुरु गोरखनाथ। इसका ज्ञान में अर्थ क्या हुआ? गोरखनाथ का अर्थ क्या है? रख माने रक्षा, गौओं की रक्षा करने वाला। वो तो उन्होंने आंदोलन चलाया जानवर गौओं का, जानवर गौओं के लिए सुरक्षा आंदोलन चलाई दिया, गौ रक्षा आंदोलन। लेकिन ज्ञान मार्ग में गौएं कौन सी हैं? ये कन्या माताएं ही गौएं हैं। भारत की, विदेशों की नहीं, भारत की कन्या माताओं को जीवन में जिस खूंटे से बांध दिया जाता है, सारे जीवन सीधे ही शादी होकर के गऊ की तरह बंध ही रहती है। इसलिए उनको कहा जाता है गऊ। जिनके ऊपर जास्ती अत्याचार जब हुए तो गीता भागवत में दिखाया है कि भगवान ने आकर के उनकी रक्षा की, परंतु नाम डाल दिया है कृष्ण का। वास्तव में कृष्ण की बात नहीं है, कृष्ण की आत्मा संगम युग में स्वयं ही शरीर छोड़ के चली जाती है, हार खा के चली जाती है, शरीर छोड़ना पड़ता है। है वास्तव में शिव की बात। शिव बाप कहते हैं कि भारत में एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं एक जूती गई, अभी दूसरी तीसरी चौथी लेते हैं। ये ब्रह्मा भी पुराना तन है, तो ब्रह्मा का शरीर भले छूट गया, इसका मतलब ये नहीं है कि शिव बाप वापस चला गया, दूसरा तन धारण करते हैं। आखिरी इन काम पूरा करके ही जाना है। तो गुरु गोरखनाथ तो कौन हुआ ज्ञान मार्ग में? हैं? शिव बाबा, जो राम और कृष्ण के भगत हैं, वो देहधारी राम और कृष्ण को देखने लग पड़ते हैं। लेकिन काम किसका है? शिव बाबा का काम है। इसलिए गीत बनाई दी है, राम के भक्त रहीम के बंदे हैं ये सब आंखों के अंधे। राम कृष्ण ने 63 जन्म में गौओं की रक्षा क्यों नहीं कर पाई? 63 जन्म होते होते गौओं की दुर्गति क्यों हो गई? राम कृष्ण की आत्मा नहीं थी क्या? इस दुनिया में मौजूद थी या नहीं थी? मौजूद थी, लेकिन दुर्गति को रोक पाया क्या? नहीं रोक पाया। तो कौन हुआ गुरु गोरखनाथ? शिव बाबा। हाँ जी, और शिव बाबा शेर की पीठ पर बैठने वाला है। क्या शिव बाबा आके बताते हैं कि त्रिमूर्ति में 3 शेर नहीं है, वास्तव में त्रिमूर्ति में 1 ही शेर है, बाकी 1 है घोड़ा और 1 है बकरी। तो वो शेर यूपी में दिखाया गया है, उसकी पीठ बहुत मजबूत है। मौका पाके वो गैंडा भी बन जाता है। और धर्म युद्ध का खेल दिखाना है।
ज्ञान का धर्म, ज्ञान की जो धारणाएं हैं वो युद्ध है। दूसरे धर्म के लोग उन ज्ञान की धारणाओं को काटेंगे और जो असल सूर्यवंशी होंगे वो ज्ञान की धारणाओं का संवर्धन करेंगे। और अभी एडवांस पार्टी में अभी तक उत्तर भारत यूपी के लोग ज्यादा निकले या दक्षिण भारत के लोग ज्यादा निकले? दक्षिण भारत के निकले तो, लेकिन जो ज्ञान की धारणाएं हैं उन धारणाओं का पूरा पूरा अनुगमन कर पाया क्या? देहधारी धर्मगुरुओं से पूरा युद्ध किया क्या? वो युद्ध नहीं कर पाते क्योंकि दूसरी भाषा होने के कारण वो ज्ञान को गहराई से समझ ही नहीं पाते। उनका पूर्व जन्म का हिसाब किताब कुछ ऐसा है कि उनको दक्षिण भारत के दूसरी भाषा भाषी देशों में जाके जन्म मिला, बाप से भाषा के आधार पर दूर हो गए और उत्तर भारत वालों को ये विशेष वरदान मिल गया कि जो भगवान की भाषा वो उनकी भाषा है। इसलिए चाहे तो ज्ञान को बहुत गहराई से समझ सकते हैं, उठाए सकते हैं। ये भगवान के दिए हुए ज्ञान रतन भगवान की प्रॉपर्टी है। भगवान कोई परमधाम से धन संपत्ति नहीं लाता, रूप स्वरूप नहीं लाता है, ये ज्ञान के पॉइंट से ही आकर के देता है। जिनके लिए बोला है ये ज्ञान के पॉइंट जो धारण करेगा वो जन्म जन्मांतर के लिए बड़े से बड़ा साहूकार बनेगा। ये ज्ञान को धारण करने वाला भगवान को गहराई से पहचानेगा, भगवान को गहराई से पहचानेगा तो कभी भी धोखा नहीं देगा। नहीं तो दूसरे धर्म वाली आत्माएं भगवान को धोखा दे जाती है। द्वापर युग से यही भारतवासी देवताएं कम ज्ञान होने के कारण दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, भारत को धोखा दे जाते हैं। क्या बोला बच्चू? अभी गहरे नहीं नहाया बच्ची, हो गई कि नहीं है? रोज मुरली सुनता है कि नहीं सुनता है? तो उसमें ये नहीं सुना कि पढ़ने वाला कृष्ण बच्चा है या राम बाप है? मुरली जो पढ़ता है वो पढ़ने वाला कृष्ण बच्चा मुरली पढ़ता है, जो गीता का भगवान बना बैठा है वो मुरली पढ़ने वाला है या राम बाप है? राम बाप। नींद ना आए उसके लिए बताया, जिनको क्लास में नींद आ जाती है या बाबा की याद में बैठते समय नींद आ जाती है वो एक छोटे से ड्रापर में कड़ुआ तेल डाल के रखे और आधा बूंद लिया, दोनों दोनों आंखों में डाल दिया, नींद उड़ जाएगी। आज तो दवाई करो ना। और
गोरखपुर का परिवार बड़े निश्चिंत होके बैठा है, कोई हिलता नहीं है, घर वापस नहीं जाना है क्या है? माताओं की संख्या तो ज्यादा है, सब निर्मदन है क्या? हाँ जी, क्या पूछ रहे थे आपने? कुछ पूछा अभी? अच्छा, वो नींद वाली बात। हाँ जी, नींद का कारण एक और है, समय की पहचान नहीं होती है तो अलबेलापन आता है। अभी बुद्धि में अच्छी तरह नहीं बैठा है कि विनाश सामने खड़ा है। यह दुनिया में चारों तरफ मार काट मचेगी फिर नींद आएगी? माताओं का बच्चा जब बीमार पड़ता है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है, तो रात में नींद आती है? माने जिम्मेवारी का ध्यान नहीं है और तिरसठ जन्म का कर्म भोग भोगती है, वो तो पूर्व जन्म का कर्म भोग है, जबकि भगवान नहीं मिला है। अभी तो भगवान मिलता है, अभी रास्ता बताता है कर्माकर्म विकर्म की गति का। और कोई जन्म में भगवान आकर के रास्ता नहीं बताता, इसलिए अभी ही भाग्य बनता है। और जन्मों में भाग्य बनाने की बात ही नहीं है, क्योंकि भाग्य विधाता आता ही नहीं, इसे एक जन्म में ही आता है, अनेक जन्मों का भाग्य बनाने के लिए। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं, ब्रह्मा ने जब भाग्य बांटा तो सोए हुए थे क्या? अज्ञान की नींद में। कौन सी है अज्ञान की नींद है? अज्ञान की नींद माने बाप की पूरी पहचान नहीं है, बाप ने जो रास्ता बताया उस पर चलने की पूरी पहचान नहीं है, दुनियावी रास्तों की पहचान है। इसलिए गीता में लिखा है, दुनिया जिस रात में जगती है और तुम उस रात में सोते हो। दुनिया के लिए जो रात है वो तुम्हारे लिए दिन है। दुनिया ज्ञान अंधकार में पड़ी हुई है, दुनिया भी धंधे धोरे में पड़ी हुई है, वो दुनिया के लिए अज्ञान अंधकार है। इसलिए मुरली में बोला है, जिनकी बुद्धि धन कमाने में लगी हुई है उनकी किस्मत फूटी हुई समझो। वो किस्मत का कनेक्शन एक जन्म से है या अनेक जन्मों से है? अनेक जन्मों से है। तो दुनिया के लिए जो रात है अज्ञान अंधकार की, दुनिया उसमें सो रही है और तुम बच्चे जग रहे हो। तो अगर हम भी सोते रहे तो क्या कहेंगे? हैं?
अज्ञान अंधकार में पड़े या तो दुनिया वालों से प्रभावित है। हाँ, इच्छा मात्र अविद्या क्या है? इच्छा मात्र अविद्या माना इन आँखों से जो कुछ देखते हैं वो सब भस्म होने वाला है। आज दिखाई पड़ता है, कल नहीं रहेगा। चाहे वस्तु हो, देह के पदार्थ हो, चाहे देह के संबंधी हो और चाहे अपनी देह हो, ये जो अभी आंखों से दिखाई पड़ रहा है दुनिया का पसारा, वो सब भस्म होने वाला है, खत्म होने वाला है। अगर ये बात बुद्धि में बैठ जाए तो उसे पाने की इच्छा रहेगी, रहेगी या नहीं रहेगी? हैं? नहीं रहेगी। तो ऐसी स्थिति बनाना माना इच्छा मात्र अविद्या। हमारी का क्या मतलब? भव कहते हैं संसार को, और भवानी माने संसार बनाने वाली। फौज क्या? हाँ हाँ, संसार में फौज होगी तभी तो संसार बनेगा ना। संसार की फौज कब बनती है? द्वापर युग से बनती है या सतयुग में होती है? द्वापर युग से बनती है। तो द्वैतवाद कौन फैलाता है? भगवान फैलाता है या भवानी फैलाती है? भवानी द्वैतवाद फैलाती है। जब द्वैतवाद बढ़ेगा तो जरूर संसार में संस्कृति होगी, विषय सागर बनेगा, दो दो भाषाएं हो जाएंगी, दो दो मतें हो जाएंगे, दो दो बातें हो जाएंगी, दो दो मत हो जाएंगे, दो दो कुल हो जाएंगे और लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। हाँ, 21 जन्मों में जिसने ज्यादा से ज्यादा पुरुषार्थ किया, 21 जन्मों का ज्यादा से ज्यादा प्राप्ति की, वो ज्यादा से ज्यादा प्राप्ति करने के, पुरुषार्थ करने के संस्कार भर गए। कहाँ? संगम युग में। मान लो लक्ष्मी नारायण बनने का कोई ने पुरुषार्थ किया तो बड़े से बड़ा पुरुषार्थी होगा ना। तो जो बड़े से बड़ा पुरुषार्थी है, बड़े से बड़ा पुरुषार्थ किया, ज्यादा से ज्यादा ईश्वरीय सेवा की, सारे विश्व का सेवाधारी बना, तो संस्कार कैसे पड़ गए? श्रेष्ठ संस्कार पड़ गए। वो श्रेष्ठ तीव्र संस्कार, तीव्र पुरुषार्थ करने के संस्कार, वो द्वापर कलयुग में कायम रहेंगे या नहीं रहेंगे? रहेंगे। जो यहाँ संस्कार डालेंगे, अच्छे या बुरे, पुरुषार्थ तीव्र करने के संस्कार या धीमा पुरुषार्थ करने के संस्कार, वो वहाँ कायम रहेंगे। बात आ गई समझ में? हाँ जी। हाँ जी, क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि 63 जन्मों में हमने जैसे जैसे कर्म किए हैं द्वापर कलयुग में, वैसा ही अब पुरुषार्थ होगा। अगर अच्छे से अच्छे कर्म किए, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म किए हैं, तो संगम युग में अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ होगा और बढ़िया प्रारब्ध बनेगी। अगर दुष्ट कर्म किए हैं औरों के प्रभाव में आकर के या विधर्मियों के प्रभाव में आकर के, धर्म पिताओं के प्रभाव में आकर के, देहधारी गुरुओं के प्रभाव में आकर के, तो वो दुष्ट कर्म अभी हमारे शूटिंग पीरियड में जब याद में बैठेंगे तो उदित तो होते रहेंगे, हमको याद का पुरुषार्थ भी नहीं करने देंगे, सेवा भी नहीं करने देंगे, कोई न कोई विघ्न पैदा कर देंगे।
धारणा भी नहीं करने देंगे। हम कितना भी अच्छे से अच्छी धारणा करना चाहें वो विघ्न पैदा करेंगे, न सेवा करने देंगे, न ज्ञान लेने देंगे, न याद करने देंगे, न धारणा करने देंगे। उसको कहते हैं बनी बनाई बन रही, अब कछु बन नहीं ना। बाकी इसका अर्थ ये नहीं है कि हम ये समझ लें कि जो कुछ होना था वो तो हो चुका त्रेसठ जन्मों में, अब हम पुरुषार्थ क्यों करें। लेकिन ये तो पता ही नहीं है कि हमने तेसर जन्मों में अच्छा किया था या बुरा किया था, है? क्या किया था, है? दोनों किए थे तो भगवान कैसे मिल गया, पता कैसे नहीं, तो भगवान मिला कि नहीं, तो भगवान तो सब कुछ काट देगा। ये खुशी तो सबसे बड़ी खुशी होनी चाहिए कि भाग्य विधाता हमको बाप मिल गया, तो दुर्भाग्य क्यों मानेगा। नेगेटिव संकल्प नहीं करना चाहिए। नेगेटिव संकल्प आते हैं रावण से और पॉजिटिव संकल्प आते हैं भगवान से। बाबा जपता है संगम जो कहा जाता है दो के बीच के मिलना को संगम कहते हैं। संस्कृत में गम धातु होती है, है? गम माने जाना होता है, निराकार ब्रह्म जो साकार में आता है उसके पास जाना कि संगम माने मिलना। हाँ, निराकार और साकार मिलते हैं वो भी तो संगम है। निराकार और साकार का मेल होता है वो भी तो संगम है। वो संगम पहले नहीं होता है। हाँ जी, हाँ जी। और बाप ने तो रास्ता बता दिया कि कोई ग्लानी करता है तो एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। सहन नहीं होता है इसका मतलब बाप के साकार पार्ट से ज्यादा लगाव है। ग्लानी बाप की हो रही है, बाप जाने, बाप का काम जाने, हम तो कोई खराब काम नहीं कर रहे हैं, हैं? अरे आपके सहन करने की बात कहाँ पैदा हो रही है। ग्लानी तो बाप की हो रही है, आप तो कोई खराब काम नहीं कर रहे। है बाबा एक जुड़ा है महाभारत में, है जोर का सब जोर शब्द का अर्थ संताया सोलह है, सोलह है, सोलह शब्द आचार बनता है। द्रोण का अर्थ घड़ा होता है। हाँ जी, घड़ा माना ज्ञान कलश जिसने धारण किया लेकिन उस ज्ञान कलश को अपना समझ के बैठ गया। ये बुद्धि में नहीं रहा कि ये ईश्वर का दिया हुआ चीज है, अहंकार आ गया, इसलिए कौरव पार्टी में जाना पड़ा। रामायण आया है जब भीष्म ने भगवान को 12 साल जीत दिया, उन्होंने कहा कि हमारे पास जीतने के लिए बहुत से लोग आएंगे, उन्होंने वहां से कहा कि हमें कर देना चाहिए, गए तो फिर दरभंग ऋषि मिले, उसके बाद मिले, फिर अगस्त ऋषि मिले, ऐसे ऐसे बच्चों मिलेंगे। ये क्या मतलब, जिन ऋषि मुनियों से मिले हैं उन ऋषियों मुनियों से मिलने के बाद ऋषियों मुनियों को सुख हुआ या दुख हुआ, सुख हुआ, यही रहस्य है। ऋषि कहा जाता है पवित्र को और मुनि कहा जाता है मनन चिंतन मंथन करने वाले को। हाँ जी, हाँ जी, यही रहस्य है कि जिन्होंने समझ लिया है कि जो साकार सूर्य है वो ही सूर्य है, लेकिन वास्तव में जिसके घोड़े 7 हैं, 7 नारायण है ना, वो सत्युग में आवेंगे ना,
जो सप्त ऋषि माने जाते हैं। तो सात गुणों वाला सूर्य कौन है? है कौन है? है कौन? जंतर? क्या बोला? शंकर। शंकर सात गुणों वाला सूर्य है। फिर पहला नारायण कौन है? पहला नारायण वही शंकर। सतयुग का पहला नारायण? नहीं, सतयुग में आठ नारायण होंगे। सतयुग में कितने नारायण होंगे? आठ नारायण। उनमें सात नारायण है विधर्मी, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो सतयुग का पहला नारायण है वो स्वधर्मी है लेकिन कमजोर है। किस आधार पर? क्योंकि जन्म लेने वाला है सतयुग में, जन्म देने वाला नहीं है। इसलिए कृष्ण को ही गीता का भगवान समझ लेते हैं। वो कृष्ण ज्ञान सूर्य नहीं है। कौन है ज्ञान सूर्य? राम वाली आत्मा। और बाबा नहीं है वो कौन है? है जो मणि को धारण करता है वो मरता नहीं है। आत्मा रूपी जो मणि है उस मणि को जो सदैव धारण करने वाला है वो मरेगा क्या? है हाँ, और उसका रूप कौन सा दिखाया गया? उसका अर्थ क्या है? है? अश्व किसे कहा जाता है? अश्व कहा जाता है आत्मा रूपी घोड़े को। और था माना इत्थ, माना स्थाई कर दिया। जिसने आत्मा रूपी घोड़े को स्थिर कर दिया वो ही अश्वत्थामा। लेकिन कौन से वर्ग का था? कौन से पक्ष का था? कौरव पक्ष का था। वो पांडव पक्ष का नहीं था। द्रोणाचार्य का पुत्र कहा गया है तो उसे अहंकार रहता है। अपनी मणि का वास्तव में कोई आत्म की स्थिति में लगातार रहे लेकिन बाप को याद न करे तो ताकत मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्या 2018 में दुनिया का विनाश हो जाएगा क्या? तो फिर बर्फ में कैसे जाएंगी? 2018 के बाद दुनिया का विनाश हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो फिर बर्फ में दबने का सवाल ही नहीं। हाँ और हाँ जी, पृथ्वी जो ग्रह है उसका नाम पड़ा है पृथ्वी। प्रथुलाति शब्द से बनता है पृथ्वी, माने चौड़ा हो जाना, विस्तार को पा जाना।
सतयुग आदि में पृथ्वी का रूप बहुत छोटा था, सिर्फ भारत जम्बू द्वीप में ही पृथ्वी थी और सारी पृथ्वी समुद्र में समाई हुई थी। जैसे धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती जाती है पृथ्वी विस्तार को पाती जाती है। सतयुग आदि में आबादी कितनी होती है? सतयुग आदि में सिर्फ होते हैं 9 लाख और द्वापर में आबादी 9 लाख से बढ़कर कितनी हो जाती है? द्वापर आदि में 10 करोड़, तो कितनी गुनी आबादी बढ़ गई है? 100 गुनी बढ़ गई। तो पृथ्वी का विस्तार बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? त्रेता के अंत में बढ़ेगा। आज का जो भारतवर्ष है उसमें समुद्र के किनारे के सारे स्थान डूब जाएंगे, माना दक्षिण भारत सारा समुद्र के गर्त में चला जाएगा। बाबा अखबार में दिया था 70 करोड़ का क्या पानी से डूब जाएगा? पूरी बात तो आपने सुनी नहीं। आप प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न का पूरा जवाब नहीं लिया। तो द्वापर के आदि में ही जब पृथ्वी इतनी विस्तार को पाती है कि जो भारत छोटा सा था वो भारत बहुत बड़ा हो जाता है। आज का पाकिस्तान, बर्मा, मलाया, तिब्बत, नेपाल, ये सब भारतवर्ष के अंदर हो जाते हैं द्वापर के आदि में। और द्वापर के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक और धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स ढेर सारे उतरते हैं, तो 10 करोड़ से आबादी बढ़कर के कितनी हो जाती है? 500-700 करोड़। तो कितनी आबादी बढ़ गई, कितनी गुनी बढ़ी? 10 करोड़ की जगह 500-700 करोड़ हो गए। तो जैसे जैसे धर्म खंड और धर्म पिताएं और धर्म के फॉलोअर्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे धर्म खंड भी बढ़ते जाते हैं, पृथ्वी विस्तार को पाती चली जाती है और सागर छोटा होता जाता है। इसको ज्ञान में ढाल दो। सागर कौन है और पृथ्वी का पार्ट किसका है? हैं? ब्रह्मा का। ब्रह्मा का पार्ट पृथ्वी का है, चंद्रमा का नहीं है? हैं? ब्रह्मा तो ज्ञान चंद्रमा है, कृष्ण चंद्र कहा जाता है। तुला कला संपूर्ण और कलाहीन कौन बनता है? चंद्रमा बनता है ना। तो पृथ्वी का पार्ट किसका है? है जगदम्बा का है। वो दीदी दादी ने तो विदेशी अखबारों में टाइटल रखवा लिया, वर्ल्ड मदर। वो तो उनका छोटा सा टाइटल हो गया, लेकिन वास्तव में जगदम्बा सारे विश्व को कंट्रोल करेगी। ये दीदी दादियों ने सारे विश्व को अभी नहीं कंट्रोल किया है, तो पृथ्वी आती बहुत विस्तार को पा जाती है, इसलिए उसका नाम पृथ्वी पड़ा है। एक अवतार ही गाया हुआ है,
पृथ्वी का भगवान के रूप में। मालूम है कौन सा अवतार है? है? नहीं मालूम है? नहीं, पृथ्वी का अवतार सूअर का अवतार बता दिया है, बताओ है? बहुरूप नहीं, 24 अवतारों में से 10 अवतारों में से एक अवतार है जो फैलता चला जाता है, बड़ा होता चला जाता है। नहीं, मत्स्य अवतार कहते हैं। ऋषि ने अपने कमंडल जब पानी से भरा तो उसमें एक मछली आ गई, वो बढ़ने लगी। कमंडल में जितना पानी थे उससे भी ज्यादा बड़ी हो गई, कमंडल से निकालना मुश्किल हो गया, तो उन्होंने घड़े में डाल दिया। घड़ा सारा भर गया, पानी बाहर निकल गया। फिर उन्होंने एक हौदिया बनाई, उसमें डाल दिया, वो हौदिया भी भर गई। फिर उन्होंने तालाब बनाया, उस तालाब में मछली को डाल दिया, वो तालाब से भी बड़ी होने लगी। आखरीन उस मछली को नदी में डाल दिया और नदी का पानी रुकने लगा, नदी से भी बड़ी होने लगी। फिर क्या किया, आखरीन उसको समंदर में डाल दिया। सागर कौन है? है बाप, तो अभी देवी का रूप महाकाली का आने वाला है। महाकाली सब असुरों को खेल खलास करने वाली है। आठ हैं देवताएं, अष्ट देव, और बाकी सब क्या हो गए? हैं? आठ तो देव हैं, बाकी क्या हो गए? हैं? दानव हो गए। सांप को प्रभाव में ले लेगी, जैसे ब्रह्मा कुमारी अम्मा 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 करते रही, ऐसे एडवांस पार्टी भी इतनी प्रभावित हो जाएगी कि पृथ्वी के पूरे प्रभाव में आ जाएगी, अंत तक राज्य चलेगा। किसका है? जगदम्बा का। अंत में भले सागर में डूबी जा कर दिया जाए, जो बेसिक में होता है वो एडवांस में भी होता है। बेसिक है जड़ें, आधार मूर्त, और एडवांस में बीज। ज्यादा पावरफुल कौन है? बीज ज्यादा पावरफुल है। चढ़ती कला में भी 52 गज के, और उतरती कला में भी बहुत विशाल हैं। जो जो चरित्र ब्रह्मा कुमारी आश्रम में चल रहे हैं वो सारे चरित्र यहाँ भी चलेंगे।